नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आरजे आरती आपके साथ है, आपके सामने है। मैंने आपसे परसों कहा था कि आपके लिए अब मैं एक नई सीरीज लेकर के आने वाली हूं। अब तक तो आप रेडियो जॉकिंग की सीरीज देख रहे थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और उस दिन मैंने आपसे कहा था, परसों की बात है, कि आपको आपको आपके लिए एक सस्पेंस है, मतलब कि ये जो मैं नई सीरीज शुरू कर रही हूं तो ये किस बात पर होगी, ये मैंने उस दिन सस्पेंस रखा था। लेकिन चलिए आज मैं आपको बताती हूं। अब ये जो सीरीज मैं शुरू कर रही हूं, ये कुछ एपिसोड्स होंगे आपके लिए, जिसमें कि मैं आपको आकाशवाणी में जो ड्रामा आर्टिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे उनकी स्वर परीक्षा ली जाती है और किस तरह से उनका चुनाव होता है नाटक के कलाकार का, इसके बारे में ये पूरी सीरीज है। और आज इस सीरीज का जो पहला एपिसोड है, पहला व्लॉग है, तो ये इस बारे में है। हमारे पास एक सवाल आया था, बहुत सारे दोस्तों ने वैसे ये सवाल किया था, और ये एक सवाल एक्सक्लूसिव एक जो हमारे मैं क्या हमारे जो मित्र हैं उन्होंने ये पूछा कि आकाशवाणी में जो ड्रामा आर्टिस्ट होते हैं उनके बारे में आप कुछ बताइए। चलिए आज शुरुआत करते हैं। आपको जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, सार जो है वो आज हम आपको बताएंगे, परिचय देंगे, और उसके बाद आगे के एपिसोड्स में हम आपको और धीरे धीरे सारी चीजें बताते चलेंगे कि कैसे क्या चीज होती है ड्रामा सेक्शन में। देखिए, आकाशवाणी का जो नाटक अनुभाग है इसमें जो स्वर परीक्षा होती है, स्वर परीक्षा के बाद ये सामान्य तौर पर जो कलाकारों को एज अ बी ग्रेड आर्टिस्ट सिलेक्ट करते हैं। फिर कलाकार अपनी आप कह सकते हैं कि प्रतिभा के दम पर और अपने अभिनय को और निखारते हुए, नाटकों को करते हुए, कई सीरीज में काम करते हुए धीरे धीरे वो ए ग्रेड आर्टिस्ट बन जाते हैं। और वैसे मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं एफएम गोल्ड में रेडियो जॉकी तो हूं ही, साथ में मैं आकाशवाणी का जो ड्रामा सेक्शन है, जो नाटक अनुभाग है, मैं वहां से सिलेक्टेड भी हूं एज अ बी ग्रेड ड्रामा आर्टिस्ट। तो मैं आकाशवाणी में ड्रामा आर्टिस्ट भी हूं, नाटक अनुभाग में मेरा चयन हुआ था सितंबर 2015 में। तो अभी आप करीब करीब कह सकते हैं कि 6 साल लगभग हो गए, 5.5-6 साल करीब हो गए। तो देखिए, जो आकाशवाणी के नाटक कलाकार होते हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि आकाशवाणी यानी कि रेडियो में लोग आपको सिर्फ सुनते हैं। जब आप मंच पर या टीवी पर, दूरदर्शन के किसी माध्यम में आप नाटक कर रहे होते हैं, किसी ड्रामा का हिस्सा होते हैं, तो उसमें पूरा आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जो चेहरे के भाव होते हैं, जो आपका पहनावा है, जो आपका मेकअप है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और साथ में फिर जो आपकी डायलॉग डिलीवरी है, जो आपका संवाद बोलने का ढंग है, जो तरीका है आपका, जो अभिनय है आपका, वो सारी चीजों की आप कह सकते हैं कि सारी चीजों की एक तरह से परीक्षा ही होती है वो उस वक्त। तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, रेडियो के नाटक से थोड़ा सा मुश्किल काम वो है। वो इसलिए मुश्किल है, इसलिए ज्यादा मुश्किल है क्योंकि रेडियो में क्या होता है कि सिर्फ जो श्रोता है वो सिर्फ आपकी आवाज सुनते हैं। आपको जैसा नाटक दिया जाता है, जैसी स्क्रिप्ट आपको दी जाती है, आपको उसको समझ करके और आप कह सकते हैं कि जो उसके भाव हैं उसको समझ के उसी तरह से आपको संवाद बोलने होते हैं। तो आपकी आवाज के माध्यम से श्रोता समझते हैं कि हाँ, ये नाटक ऐसा है। लेकिन जो दूरदर्शन पर या वैसे रंगमंच पर आते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें सब कुछ देखा जाता है, आपका पहनावा, बोलने का ढंग, अभिनय, सारी कुछ चीजें, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। अब देखिए, आपका सवाल था कि आकाशवाणी का जो ड्रामा सेक्शन है, जो नाटक अनुभाग है, उसके बारे में आपको पूछना है। देखिए, जिस तरह से आकाशवाणी के सारे अनुभाग हैं, चाहे वो न्यूज का हो, चाहे वो उद्घोषक हो किसी चैनल पर, या रेडियो जॉकी हो एफएम गोल्ड या एफएम रेनबो पर, उसमें सभी की जो चयन प्रक्रिया होती है उसमें स्वर परीक्षा सभी की ली जाती है और समय समय पर ये लोग फॉर्म अपने निकालते रहते हैं। और आकाशवाणी के इस तरह के किसी भी जो सीनियर आप कह सकते हैं चैनल्स हैं, जैसे एफएम गोल्ड है, रेनबो है, इंद्रप्रस्थ है, विविध भारती है, राजधानी है या नाटक अनुभाग है, इसमें चयनित होने के लिए आपको थोड़ा सा अनुभव आपको जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना अनुभव के तो आप आकाशवाणी में काम करना थोड़ा सा मुश्किल है।
तो इसके लिए जैसे कि सारी ही चीजें मैंने आपको बताई हैं रेडियो जॉकिंग की सीरीज में, बिल्कुल उसी तरीके से नाटक का जो अनुभाग होता है वो भी वैसा ही होता है। और जो नाटक की स्वर परीक्षा होती है उसमें भी वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं, वैसे ही स्वर परीक्षा ली जाती है जैसे दूसरे अन्य चैनल्स पे ली जाती है, चाहे वो FM गोल्ड हो या FM रेनबो हो। इसमें आपको अगर चयनित होना है, और आपका पैशन है नाटकों का, तो आपको थोड़ा सा पहले से काम का जो अनुभव है वो होना चाहिए। जैसे कि रेडियो जॉकिंग की सीरीज में मैंने आपको बताया था कि अगर आप RJ बनना चाहते हैं तो आप ये मत सोचे कि आप तुरंत आप एज अ फ्रेशर RJ बन जाएंगे, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये नाटक के अनुभाग के साथ भी बिल्कुल वैसा है, क्योंकि आपको रेडियो में काम करने का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान होगा तभी तो आप उस चीज को आगे बढ़ा सकेंगे और स्वर परीक्षा के लिए आप ज्यादा एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। तो युवाणी सबसे अच्छा रास्ता है। इसके अलावा अगर आप किसी और चैनल पर आकाशवाणी के काम करते हैं या बाहर आप किसी मीडिया प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़े हैं, आपकी आवाज अच्छी है, भाषा पर आपका नियंत्रण है, उच्चारण आपका सही है, आप थोड़ा सा लिखने पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें प्लस पॉइंट होती हैं नाटक अनुभाग में चयनित होने के लिए, यानी कि ड्रामा सेक्शन में आपके सिलेक्शन के लिए ये सारी चीजें भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी कि रेडियो जॉकी बनने के लिए। क्योंकि देखिए, जब भी किसी नाटक में आप अभिनय कर रहे होते हैं तो जैसा नाटक जिस मनोभाव के साथ लिखा जाता है, आपको वैसा बोलते हुए भाव के साथ ही आपको जो है अपनी आवाज के माध्यम से ही आप कह सकते हैं कि श्रोताओं को ये बताना होता है, समझाना होता है कि हाँ भाई ये इस तरह के मनोभाव वाला नाटक है, क्योंकि आपकी आवाज से ही वो समझते हैं कि भाई नाटक चल रहा है, तभी तो उसको सुनकर वो आनंद लेंगे। तो जो नाटक अनुभाग है उसकी जो स्वर परीक्षा होती है वो भी कठिन होती है, और बिना अनुभव के वहां पर भी चयन होना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसके लिए जो रेडियो जॉकिंग की सीरीज में जो कुछ मैंने आपको बताया था वो सारी चीजें यहाँ काम करती हैं। और इसके साथ मैं एक बात और कहूंगी, देखिए हर कोई इस चीज को आप, मैं कहूंगी, अन्यथा ना लें, अदरवाइज ना लें, लेकिन जो सही बात है, जो सटीक बात है, सच्ची बात है, वो शायद आपके साथ शेयर करना, आपको बताना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको सच पता होगा तब आप अपने आप को सही मायनों में, अपनी प्रतिभा को आप आंक पाएंगे कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कहाँ खड़े होते हैं, और फिर उसी आधार पे आप अपने करियर को आगे बढ़ाएं, तो आपको तब ज्यादा सफलता मिलेगी। ऐसा होता है, देखिए हर कोई कलाकार नहीं बन सकता, हर कोई गाना अच्छा नहीं गा सकता, हर कोई नृत्य नहीं कर सकता, हर कोई वाद्य यंत्र नहीं बजा सकता अच्छे से, हर कोई बोल नहीं सकता, हर किसी का उच्चारण, मैं ये नहीं कहती कि कोई आप सीखने से सीख नहीं सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन हर किसी का उच्चारण भी बहुत सही साफ स्पष्ट नहीं होता। हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। मैं व्यक्तिगत, अगर आप, मतलब मैं व्यक्तिगत अपनी वो आपको बता रही हूं कि जो मेरा अनुभव रहा है आकाशवाणी का, खुद का मेरा रहा है करीब 23-24 सालों का। और जब मैं आकाशवाणी इलाहाबाद में युवाणी से जुड़ी थी तो मैंने स्टेज पर, रंगमंच पर भी मैंने नाटक किया है, फिर आकाशवाणी के नाटक अनुभाग में भी मेरा चयन हुआ एज अ बी ग्रेड ड्रामा आर्टिस्ट। तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही आपको बता रही हूं कि कलाकार जो होता है ना, आप किसी को कलाकार बना नहीं सकते। कला जो है, या संस्कृति या कला या सांस्कृतिक जो रुचि है या साहित्यिक रुचि है, ये ईश्वर की देन होती है। ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता, लेकिन कुछ कुछ सबको जरूर देता है। कलाकार कभी भी आप बना नहीं सकते, कलाकार हमेशा पैदा होता है। जो कला की प्रतिभा होती है वो जन्मजात गुण है, सिर्फ आप उसको निखार सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, उसमें सुधार लाते जाइए लाते जाइए लाते जाइए, उसको आप सुधार सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। लेकिन आप कलाकार किसी जगह से, किसी इंस्टीट्यूट से, मतलब कुछ भी सीख करके, आप कोई कोर्स करके आप कलाकार बन नहीं सकते। तो इस आप इस बेसिस पे, इस तथ्य, इस सच्चाई पर सबसे पहले तो अपने आप को आंकिए, और अगर आपको लगता है कि सचमुच आपके अंदर ऐसी प्रतिभा है तो फिर तो इसको निखारना ही एकमात्र साधन बचता है।
और कभी भी अपनी कला से संतुष्ट आपको नहीं होना चाहिए। आप इसमें लगातार आप पॉलिश करते जाइए, सीखते जाइए, क्योंकि नाटक की जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है। ड्रामा, आई मीन इट्स अ लार्ज वर्ल्ड। रंगमंच जो है ये एक दिन दो दिन में नहीं आती है चीजें। बहुत कलाकार, आप कह सकते हैं कलाकार सालों तपस्या करते हैं इसके लिए। तपस्या वर्ड शायद सही है, क्योंकि जो आप कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़ते हैं वो एक दिन दो दिन का काम नहीं होता है। शास्त्रीय संगीत देखिए, बिना गुरु का गंडा बांधे वो उस चीज को शुरुआत नहीं होती उसके बिना। शास्त्रीय संगीत की कितनी धुनें हैं जो बिना गुरु के आदेश के आप गा नहीं सकते, ना रंगमंच पर ना वैसे। जो नाटक की दुनिया है ये लगभग वैसी ही है। अपने गुरु का सम्मान करना आपको सीखना होगा और मेहनत बहुत होती है इसमें। और आज का ये जो व्लॉग आपके लिए ही, आपके लिए जो मैं ये बना रही हूं, इसमें मैं आपको मोटी मोटी बातें ही ऊपरी तौर पे आज आपको बता रही हूं। कल के व्लॉग से मैं आपको स्पेसिफिक एक एक चीज उठा करके आपको बताऊंगी। तो आज के व्लॉग का आप कह सकते हैं कि जो सारांश है वो यही है कि जो रेडियो जॉकिंग की सीरीज के लिए चीजें आवश्यक थी, वही इसके लिए भी आपको भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, आपका उच्चारण सही होना चाहिए, आप लिखने पढ़ने वाले होने चाहिए, और कला के लिए रुचि हो, नाटकों में रुचि हो, और अपनी इस प्रतिभा को आंकिए कि आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तभी आप इस दिशा में आगे बढ़िए। और आपको पता ही है कि ये दुनिया कितनी अच्छी है, कितनी मेहनत मांगती है। कला का जो वरदान है ईश्वर सबको नहीं देता, लेकिन जिसको देता है उसको उसका सम्मान करना चाहिए और उस दिशा में प्रयत्न जरूर करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ जाएंगे जीवन में, बढ़ेंगे जरूर। पढ़िए और बढ़िए। और जो आकाशवाणी का जो नाटक अनुभाग है, ये समय समय पर अपने आवेदन पत्र निकालता रहता है, इसके लिए भी आपको आकाशवाणी जाकर ही पता करना पड़ेगा। ये समय समय पर विभिन्न चैनलों पर अपने उद्घोषणा भी करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, वहां से भी आपको पता चल सकता है। लेकिन हाँ, ये साल में एक बार ही इनके स्वर परीक्षा के फॉर्म निकलते हैं, जहां तक मुझे पता है साल में एक बार या दो बार, इससे ज्यादा ये नहीं निकालते। तो उस वक्त आपको पता करना पड़ेगा और इसकी स्वर परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, और फिर पास करना ना करना वो तो फिर भाई आपकी प्रतिभा है। तो चलिए, आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर खत्म कर रही हूं। कल मैं आपके लिए इस सीरीज का दूसरा व्लॉग आपके लिए शूट करूंगी, एपिसोड 2। उसमें स्पेसिफिक बातें मैं आपको एक एक करके बताती जाऊंगी कि कैसे स्वर परीक्षा की तैयारी करनी है और कैसे इन चीजों को सीखा जाता है और कैसे आप बन सकते हैं एज अ ड्रामा आर्टिस्ट आप आकाशवाणी में, क्योंकि वहां पर चयन होने के बाद फिर सीमाएं खुली हैं आपके लिए। चलिए, आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का व्लॉग बस मैं खत्म कर रही हूं। कल मैं आपसे मिलूंगी फिर से एक नए व्लॉग के साथ और कुछ नई बातें, कुछ एक्सक्लूसिव बातें इस चीज की कल से ही मैं आपको शेयर करना शुरू करूंगी। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।